हेलो दोस्तों खाना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आज हम लोग एडिशन फ्रैक्शन वाला एडिशन सीखने वाले हैं और इसको बनाएंगे आसानी से किस तरह से आपको समझ में आएगा इस पर हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको समझाने का और आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाएंगे सबसे पहले क्या करिएगा कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा दो वाला तीन वाला या चार वाला ऐसा जिस तरह भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले इसका इसका और इसका तीनों का आप एल्सीियम निकाल लीजिएगा तो एल्सियम कैसे निकालेंगे सर तो देखिए पहले थ्री फाइव और टेन को इस तरह से आप लिख लीजिए और इसका एल्सियम निकालिए देखिए इसको काटेंगे सबसे पहले सोचिएगा कि छोटा डिजिट से इसको काटना शुरू करें तो इसमें छोटा डिजिट क्या है टू से पहले स्टार्ट करिएगा टू से काटिएगा तो थ्री नहीं कटेगा फाइव नहीं कटेगा और ये टेन जाएगा फाइव हो जाएगा ठीक है उसके बाद आप इसको फाइव से काटिए थ्री से काटिएगा तो एक तो कटेगा इससे अच्छा आप क्या करिए इसको इसी तरह लिख लीजिए और फाइव से काटिए ठीक है. है और उसके बाद इसको सॉल्व करिए कि इसको मतलब मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई करके कि कर देखिए कितना कि कि आ रहा है तो फाइव टू जो टेन और टेन थ्री रीजा थर्टी यानी कि तीस आ जाएगा पाँच दिए पंद्रह दूनी तीस आ जाएगा एक इसका और ट्रिक है कि आप क्या करिएगा कि इतना लंबा ना करते हुए आप सोचिए कि थ्री और फाइव और टेन तीनों जो है कौन ऐसा टेबल है जिसमें तीनों आता है तो देखिए आप जब ज्यादा बनाने लगेगा और ज्यादा आप इस तरह से एलसीएम निकालने लगेगा तो आपको याद हो जाएगा कि इस तरह से थ्री और फाइव टेन टी का टेबल में आता है थर्टी का थर्टी uh, जो है uh, वो थ्री का भी टेबल में आता है फाइव का भी टेबल में आता है और टेन का भी टेबल में आता है तीनों जो है एक कौन ऐसा डिजिट है जो तीनों का टेबल में आता है तो थर्टी जो है एक ऐसा नंबर है जो थ्री टेन या थर्टी हो जाएगा थर्टी हो जाएगा टेन थ्री या थर्टी हो जाएगा ऐसा आपको खुद से सीखना है और नहीं सीख पाइएगा इस तरह से अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप सिंपल एल्सियम निकाल लीजिएगा तो भी आपका बन जाएगा ठीक है चलिए तो हम दोनों बता दिए आपको आप सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि इस तरह से लिख लीजिए ये थर्टी जो है ना इसको यहां लिख लीजिए उसके बाद ये थ्री का टेबल में थर्टी कितना बार में आता है ये सोचिए तो थ्री का टेबल में कितना बार में आएगा तो ये आएगा आपका थ्री टेन जा थर्टी टेन बार में आएगा तो इसको इस तरह से लिख लीजिए फिर क्या करिए कि ऊपर में जो है ना उसको यहाँ लिख लीजिए सिंपल या क्या क्या बताएं सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए एलसीएम लेकर यहाँ लिख लीजिए उसके बाद थ्री का टेबल में काटिए इसको थ्री का टेबल में देखिए कि टे थर्टी कितना बार में आता है तो टेन बार में आता है तो टेन को यहां लिखिए और ऊपर में जो भी रहेगा उसको यहां पे लिख लीजिएगा ठीक है बीच में प्लस है तो इस तरह से प्लस दे दीजिए उसके बाद फिर इसी तरह से जैसे इसमें दिए देखे थे ना उस तरह से इसमें भी देखिए तो इसमें देखिए ये फाइव है तो फाइव से ये थर्टी कितना बार में आएगा तो फाइव सिक्स जर थर्टी होता है फाइव का टेबल में थर्टी सिक्स बार में आता है तो इसलिए हम सिक्स लिख लिए समझ में आ रहा है चलिए ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है तो थ्री तो उसको यहाँ लिख लीजिए उसके बाद फिर प्लस है तो फिर प्लस कैसे साइन दीजिए और फिर देखिए कि ये टेन का टेबल में टेन का टेबल में थर्टी कितना बार में आता है तो टेन का टेबल में कितना बार में आएगा थ्री बार में आएगा और ऊपर में जो भी है वो लिख लीजिए तो ऊपर में क्या है वन है लिख लिए चलिए उसके बाद आप देखिए कि ये नीचे जो है ना इसको इस तरह से आप कर लीजिए उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए तो दस दूनी कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा टेन टू जै ट्वेंटी हो जाएगा सिक्स थ्री एटीन हो जाएगा आप ये थ्री वन जै थ्री हो जाएगा अब फिर ये तीनों को एड करिए एड करिएगा तो कितना होगा तो तीन आठ तीन ग्यारह और एक दो एक तीन एक चार इकतालीस बाय थर्टी ये आपका आंसर आ गया अगर इस टाइप का आंसर नहीं आएगा तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो क्या होगा तो थर्टी का टेबल में कितना बार पढ़ेंगे कि फोर्टी आएगा तो एक बार और उसके बाद बचा कितना तो ग्यारह तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं या फिर इस तरह से दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है कि आठ सोलह और बत्तीस ये सबसे पहले ये है कि फोर बाय एट बारह बाय सिक्सटीन और सिक्सटीन बाई थर्टी टू का एड करना है तीनों को जोड़ना है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा ना ये तीनों का एल्सियम निकालिएगा या फिर ऐसे ही सोचिएगा कि कोई ऐसा नंबर जिसमें ये तीनों का टेबल आ जाए तो वो नंबर मेरे हिसाब से बत्तीस है बत्तीस में देखिए ये भी आ जाएगा आठ का टेबल भी आ जाएगा आठ चौके 32 बत्तीस हो जाएगा सोलह का भी टेबल आ जाएगा सोलह दूनी बत्तीस हो जाएगा और बत्तीस भी आ जाएगा थर्टी टू थर्टी टू वन थर्टी टू आ जाएगा लेकिन अगर आपको ऐसे सोचने नहीं आता है तो क्या करेंगे तो आप इसका एल्शियम ले लीजिएगा आठ सोलह और बत्तीस तीनों का एल्शियम ले लीजिएगा ठीक है एल्सियम कैसे लेंगे तो इस तरह से लिखिएगा एल्शियम लेने आपको आता हो नहीं आता होगा तो बताइएगा हम एक वीडियो बनाकर आपको सिखा देंगे ठीक है इसको कैसे एसियम लेंगे तो सबसे पहले छोटा सा डिजिट इसमें ही सीख लीजिए छोटा सा डिजिट क्या करिएगा छोटा सा डिजिट से इसको पहले कोशिश करिएगा तो दो से कोशिश करिए दो से छोटा वन होता है वन से तो सब कर जाता है तो वन मत लीजिएगा टू ले लीजिएगा ठीक है तो टू फोर जा एट हो जाएगा टू एट जाए सिक्सटीन हो जाएगा और टू से ये सिक्सटी हो जाएगा फिर टू से काटिए तो टू से ये टू हो जाएगा ये फोर हो जाएगा और ये एट हो जाएगा फिर टू से कट रहा है तो काटिए फिर ये टू हो जाएगा ये फोर हो जाएगा फिर टू से कट रहा है तो काटिए तो ये वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा मतलब इसको

नीचे वाला का देखिए ऊपर वाला का नहीं नीचे वाला का टेबल में ये कितना बार में कटेगा ठीक है तो देखिए नीचे वाला का टेबल में ये आठ चो के बत्तीस चार बार में कटेगा तो चार लिख लीजिए और ऊपर में जो भी है उसको यहां लिख लीजिए ऊपर में कुछ भी थाएव, रहे फाइव रहे सिक्स रहे फोर रहे कुछ भी रहे उसको यहां इस तरह से लिख लीजिए बीच में प्लस है तो इस तरह से प्लस दे दीजिए उसके बाद देखिए कि ये सिक्सटीन का टेबल में बत्तीस कितना बार में कटेगा जैसे इसमें देखे थे उसी तरह इसमें भी देखना है और उसी तरह से उसमें भी देखना है ठीक है तो देखिए सोलह का टेबल में यह बत्तीस कितना बार में कटेगा तो दो बार में कटेगा दो का टेबल में आता है और ऊपर में जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर देखिए कि बत्तीस का टेबल में बत्तीस कितना बार में कटेगा तो एक बार में कटेगा तो आप एक लिख लीजिए और ऊपर में जो भी है उससे तो बना उसके बाद चार चौके सोलह हो जाएगा और बारह दुनिया चौबीस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 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 लिख लीजिएगा ठीक है उसके बाद इस तीनों को जोड़ दीजिए तो चौबीस अच्छे तीस हो जाएगा तीस दस चालीस अच्छे छियालीस हो जाएगा छियालीस बाई ब लिखी है। उसके बाद अगर ये कटता है तो इसको काटना है तभी आंसर आएगा आपका देखिए इसको ये कट रहा है ये तेईस दूसरी छियालीस होता है ये सोलह दूसरी बत्तीस होता है ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अगर बोले कि इसका इसको फ्रैक्शन में फिर से करेंगे तो किस तरह से होगा मिक्स फ्रैक्शन में तो सोलह का टेबल पढ़िए और देखिए कि तेईस आता है तो नहीं सोलह का टेबल में तेईस नहीं आता एक बार में सोलह आता है तो सोलह के बाद और बचा कितना तो सोलह चार बीस तीन तेईस यानी कि सात बचा तो सात को ऊपर लिख लीजिए और जो सोलह नीचे है वो इस तरह से रहेगा ये भी आपका आंसर हो जाएगा ये भी आंसर हो जाएगा दोनों बता दिए आपको समझ में आएगा और अगर ये अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल वीडियो बहुत सारा बना हुआ है वो सब देखते रहिएगा। थैंक यू